नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे डाइट काउंसलिंग के बारे में, मतलब कि आप भोजन कैसे करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे और उस भोजन से आपको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे पोषक तत्व आपके शरीर में मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आपके बॉडी का जो BMI होता है वो कौन सा BMI आपको अंडरवेट बताता है, कौन सा BMI आपको ओवरवेट बताता है और कौन सा BMI आपको हेल्दी बना जाता है। मतलब कि हम मतलब बात करेंगे इस विषय में कि आप स्वस्थ हैं या नहीं, आपकी हाइट सही है या नहीं, आपका वेट सही है या नहीं। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे शरीर को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक सामान्य पुरुष हैं और सामान्य काम करते हैं, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं या फिर दैनिक जीवन के ऑफिस वर्क आप करते हैं, तो आपको 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है पर डे। तो ये नॉर्मल बॉडी इनटेक आपका है। 25 कैलोरीज के आसपास अगर आप लेते हैं तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा और आप अपनी जितनी भी डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसको आसानी से कर पाएंगे। अगर आप एक सामान्य महिला हैं जो दैनिक जीवन के काम करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है और बहुत सारे ऐसे काम करती है जो कि ऑफिस से रिलेटेड हो, मतलब बहुत मेहनत वाले काम ना हो, शारीरिक श्रम, तो आपको 2000 कैलोरीज अगर आप पर डे ले रही हैं तो वो आपके लिए एनफ होता है। अगर आप ऐसे पुरुष हैं जो बहुत सारा शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे कि मजदूर वर्ग के कुछ भाई लोग ऐसे होते हैं जिनका श्रम बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत सारे लोग किसी कंपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका मतलब फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा होता है, बाइक चलाते हैं बहुत लोग, तो ऐसे जो पुरुष हैं उनको 3100 कैलोरीज की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। और ऐसी जो महिलाएं जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज में बहुत हैवी वर्क होते हैं, साफ सफाई काम दिन भर, तो ऐसे लोगों को 2400 कैलोरीज की आवश्यकता होती है ऐसी महिलाओं को। अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो कि थोड़े हेल्दी होते हैं, जो कि मोटे होते हैं शरीर से, तो उनको जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो जो नॉर्मल 2500 के आसपास है रिक्वायरमेंट उससे काफ़ी कम होती है, और वो 1500 कैलोरीज के आसपास अगर वो लेते हैं तब भी उनका शरीर हेल्दी रहता है और उनका फैट जल्दी ख़त्म होता है। अगर आपका वेट नॉर्मल वेट से काफ़ी कम है, अगर आप अंडर वेट हैं, ऐसे लोगों को जो 2500 कैलोरीज का बार है उससे थोड़ा ऊंचा कैलोरीज चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा गेन करना होता है अपने वेट में। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे शरीर का जो वेट है वो हमारे हाइट के हिसाब से है या नहीं, इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो WHO के पैरामीटर्स हैं और इंडियन अथॉरिटीज़ के पैरामीटर हैं उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो जो पुरुष हैं जिनकी हाइट 5 फीट है तो उनको कम से कम 48 किलो वज़न होना चाहिए, और अगर उनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो पर इंच, मतलब कि ज़्यादा जितनी इंच ज़्यादा है उतने इंच का 2.3 kg के मल्टीपल में होना चाहिए। मतलब कि अगर एक इंसान है उसकी हाइट 6 फीट है, मतलब कि वो 5 फीट से 12 इंच ज़्यादा है, तो 48 किलो तो होगा ही, प्लस वो जो 12 इंच का मल्टीप्लाई करेगा 2.3 से तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाइट 75 kg के अप्रॉक्स हो जाएगी, तो वो नॉर्मल कहा जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि अगर एक महिला है और उसकी जो हाइट है वो 5 फीट है और वज़न उसका 45 किलो के आसपास है, तो उसको कहा जाएगा कि इसकी हाइट जो है वेट के हिसाब से है, मतलब ये परफेक्ट हाइट की वुमेन है। और अगर रेस्पेक्टिवली अगर उसकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है तो वैसे वर्षा उसका जो वज़न है 1.7 के मल्टीपल में बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाइट और वेट के बारे में। अब हम देखेंगे इसमें अगली चीज़ क्या होती है, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं BMI, जिसका जो एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है आपकी हेल्थ का डिनोमिनेटर होता है, मतलब कि आपको शो करता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपको जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ऐसे नापते हैं कि आपका जो वेट है किलोग्राम में उसको आप डिवाइड करेंगे हाइट से, मतलब हाइट के स्क्वायर से, जो कि मीटर में मापते हैं, हाइट तो मीटर में ही नापा जाता ज़्यादातर। तो अगर आप किसी इंसान के वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो उसका BMI निकलता है, और इसको हाइट वेट चार्ट भी बोलते हैं। तो अब इसके हिसाब से होता क्या है कि अगर आपका वज़न जो है और आपका जो
शरीर की हाइट है, कोई मतलब मान लीजिए आप कुछ भी हो, कोई आदमी 6 फीट का हो और उसका वजन 75 किलो का हो, या फिर ऐसे वैसे वर्षा कोई सा भी हो, तो उसका जो BMI निकालते हैं, अगर BMI की वैल्यू 18.5 से कम होती है, मतलब कि 18.5 से उसके BMI की वैल्यू कम है, तो वो आदमी कहा जाएगा क्या, अंडरवेट। अब अगर उस आदमी की जो BMI की वैल्यू है वो 18.5 से 25, मतलब 25 के आसपास है, तो वो आदमी कहा जाएगा कि इसका वेट जो है ये सामान्य है, इसकी BMI सामान्य है और इसका शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ की कैटेगरी है। अब अगला है कि अगर आपका वो जो वजन है, आपका जो BMI है, आपका जो हाइट है, इसका जो रेशियो है वो है 25 से 30 के बीच में, तो कहा जाएगा कि आपका जो वेट है वो सामान्य से ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं। और इसी प्रकार से अगर आपका वेट हाइट का जो रेशियो है या BMI जो है वो अगर 30 से भी ऊपर है, तो आप ओबेस कहलाएंगे, मतलब कि आप मोटे कहलाएंगे और आपके अंदर फैट ज़्यादा इकट्ठे हो जाती है, तो आप मोटे कहलाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं इसमें लेके, कि आप हमारे अपने शरीर को या हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो पहली जो रिकमेंडेशन है वो ये इस प्रकार से है अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए और कई बार खाना खाइए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में इतना खाना खा लीजिए कि आपका पेट फूल जाए, या आपको पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाए, या आपको चलने में परेशानी हो, कोई भी काम करने में परेशानी हो, जिससे आप दूसरी बार भोजन अच्छे से ना कर पाए। और दूसरा जो रिकमेंडेशन है कि ईट समथिंग इन एवरी 3 आवर्स, मतलब कि हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाइए, कोई फ्रूट ही खा लीजिए, आप चना खा लीजिए, ग्रेन खा लीजिए, अगर आप लो इनकम ग्रुप से हो तो आप उसी प्रकार से आप चना गुड़ खा सकते हैं, अगर आप हाई इनकम ग्रुप से हैं तो आप कॉर्नफ्लैक्स खा सकते हैं, या वैसे वर्षा जो आपको जो आपके मतलब बजट में हो वो उस हिसाब से आप खा सकते हैं, पर हर 3-4 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। अब एक और ये बड़ी कॉमन रिकमेंडेशन कही जाती है, जो आजकल बड़ा टर्म कॉमन है, सैनिटाइजेशन या फिर पर्सनल हाइजीन जिसको बोलते हैं, कि अगर अपनी शरीर की साफ़ सफाई हम ठीक ठाक रखते हैं, अपने हाथ अगर भोजन से पहले धोते हैं या कुछ भी खाने से पहले धोते हैं, और कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि हमें वायरस इन्फेक्शन अन्य चीज़ों का खतरा है, तो उसके बाद अगर हम सैनिटाइजेशन मेंटेन करते हैं तो हमारे शरीर में वो चीज़ें फ़ायदा करती हैं। एक और रिकमेंडेशन है कि आप डेली आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे जो शरीर का एक्सेस फैट होता है वो लूज़ होता है और बॉडी जो होती है वो फ्लुएंटली काम करती है, अपने काम एक्सेस आसानी से होता है बॉडी का। अगली जो रिकमेंडेशन है कि आप कुछ ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करिए, या आप ऐसे मील्स लीजिए जिसमें फाइबर होते हैं, जैसे कि आपने खीरा सुना होगा और मूली वगैरह जो होती है मार्केट में अवेलेबल, गाजर है, ऐसे चीज़ों का सेवन करिए जिससे कि आपको फाइबर मिलता रहे रेगुलरली। आप सोया भी ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कि अगर आप एक दिन में 4 लीटर पानी से अधिक लेते हैं और रेगुलरली आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर में 99% बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, बहुत सारी बीमारियों से बचना है, तो कम से कम इतना तो मेंटेन करिए कि अपने शरीर में वर्कआउट करिए, रेगुलरली पानी लीजिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। और एक और चीज़ है कि स्ट्रेस फ्री जीवन बिताइए, मतलब कि बहुत सारी चिंता मत करिए चीज़ों को लेके, कि अगर कोई काम आपका नहीं हुआ है तो उसको लेके आप चिंतित हैं, या फिर कोई और चीज़ के लेके चिंतित हैं, चिंता से कुछ होता नहीं है, वास्तव में वो शरीर के लिए घातक होता है। और जहाँ तक हो सके पॉजिटिव वाइब्स रखिए, कुछ अच्छी चीज़ों को याद रखिए अपने जीवन में, आपने कुछ अच्छा काम किया हो, कोई अच्छी कहानी सुनी हो, कोई अच्छी किताब पढ़ी हो, उसके बारे में सोचिए आप। मनोरंजन का अगर कोई मौका मिलता है आपको खेल के द्वारा तो खेलिए, और किसी माध्यम से मूवी देख सकते हैं तो मूवी देखिए जिससे आपका माइंड फ्री रहे। तो मेरे हिसाब से डाइट काउंसलिंग सेशन में इतना बहुत है, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं और अपने शरीर के बारे में इतनी चीज़ें आपको जानकारी होती है, तो आप अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप अगर मेंटेन रहेंगे तो आपका समाज मेंटेन रहेगा, आपका देश मेंटेन रहेगा, और हम आजकल जैसे बहुत सारी गंभीर बीमारियां चल रही हैं उससे बचे रहेंगे। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपनी सलाह हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आगे वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं और आपको किस टॉपिक के विषय में जानना है। जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, चाहे वो SSC के हों, चाहे वो UPSC के हों, या IBPS के हों, या किसी भी एग्ज़ाम्स के आप एस्पिरेंट हो,
और आपको कोई टॉपिक लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में आपको कठिनाई लग रही हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमारे फेसबुक व्हाट्सएप पे जो कि जेपी शुक्ला पे है, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप उस पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक के बारे में अगली वीडियो आपको भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।